हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक हो। और आज से हम साइंस का लेसन नंबर टू है वो स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर टू का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स को पोषण कैसे मिलता है? हम जो सारा खाना खाते हैं, रोटी चावल वो सब, उसमें से हमको क्या मिलता है? पोषण मिलता है। तो एनिमल को कहाँ से मिलता है? सो ये लेसन में हम क्या स्टडी करने वाले, फर्स्ट हम वो देख लेते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन एनिमल न्यूट्रिशंस। एनिमल को न्यूट्रिशंस मिलता है तो वो उसको कौन कौन से स्टेप में से इन्वॉल्व होते, कौन कौन से स्टेप होते वो यूज़ करते हैं। न्यूट्रिशंस इज अमोबा है, उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? न्यूट्रिशंस इन ह्यूमंस को कैसे न्यूट्रिशंस मिलता है? एंड न्यूट्रिशंस इन र्यूमिनेंट्स मतलब जो एनिमल्स और वो सब है उनको पोषण कहाँ से मिलता है? तो ये चार टॉपिक है वो हम लेसन में स्टडी करेंगे। चलो, प्रीवियस कनेक्ट। ऑल द लिविंग थिंग्स रिक्वायर फूड टू स्टे अलाइव एंड ग्रो वेल। सारे लिविंग थिंग्स है उसको जीने के लिए और खाने के लिए अपना ग्रोथ होना जरूरी है। फूड कंटेंट्स यूजफुल सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो फूड होता है, जो सारे यूजफुल मतलब कि उसको ग्रोथ करने के लिए जो सारा खाना होता है उसमें से जो मिलता है उसे हम न्यूट्रिशंस बोलते हैं। फूड नीड टू बी डाइजेस्टेड इन द बॉडी सो दैट इट कैन बी यूटिलाइज बाय द सेल्स ऑफ द बॉडी। जो हमने खाना खाया है वो पचना चाहिए और उसकी मदद से जो सारे सेल्स है वो वर्क करते हैं। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन नंबर टू। ऑल द लिविंग थिंग्स रिक्वायर फूड। सारे लिविंग थिंग्स होती है उसे खाने के फूड जरूरी है। इट गिव्स देम एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस। वो फूड होता है वो क्या हेल्प करता है कि हमको सारे वर्क करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन द प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। जो एनिमल्स होते हैं वो अपने आप से खाना नहीं बना सकते क्योंकि वो डिपेंडेंट है कोई प्लांट्स के ऊपर या फिर कोई एनिमल्स के ऊपर। सम एनिमल्स एंड ह्यूमन्स बींग्स कंज्यूम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कई सारे एनिमल्स होते हैं और इंसान भी होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। ओके, तो उसे हम गुजराती में मांसाहारी बोलते हैं। द फूड ईटन बाय द एनिमल्स एंड ह्यूमन्स हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनसाइड द बॉडी इंटू सिंपल सोल्यूबल फॉर्म सो दैट इट कैन बी यूजफुल बाय द बॉडी टू ऑब्टेन एनर्जी। एनिमल्स और ह्यूमन्स को सारी एक प्रोसेस होती है उसकी मदद से वो खाना पचता है और उसमें से हमको न्यूट्रिशन मिलता है। लेट्स स्टडी हाउ टू प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन द एनिमल्स। चलो अब हम स्टडी करते हैं कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसे होती है। चलो, स्टेप्स इन्वॉल्विंग द एनिमल न्यूट्रिशंस। एनिमल को न्यूट्रिशन मिलता है तो उसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं वो ज़रूरी है। फर्स्ट है, एनिमल्स टेक फूड इन द सॉलिड और लिक्विड फॉर्म। सारे एनिमल्स होते अपना खाना खाते या फिर वो के टू टाइप्स के होते हैं, सॉलिड या फिर लिक्विड। सॉलिड मतलब ग्रास और वो सब, लिक्विड मतलब पानी चाय वो सब खाते ना। जो शीप होती है या फिर गोट होती है वो चाय का पानी भी पीते हैं। तो उसका फूड कौन से टू टाइप का होता है, सॉलिड एंड लिक्विड। This form of nutrition in which food is taken in digested and absorbed for its utilization is called holozoic nutrition. Holozoic nutrition किसे बोलते हैं कि जो process होती है, method होती है। holozoic nutrition मतलब method of nutrition, जिसकी मदद से हमको nutrition मिलता है और सारा खाना होता है वो digest होता है, वो process को क्या बोलते हैं, holozoic nutrition. These are five steps in the holozoic nutrition. Holozoic nutrition है उसके five steps है। First है ingestion मतलब the process which involve taking in the food inside the body of a organism is called ingestion. Ingestion किसे बोलते हैं, जो body होती है उसके अंदर का part होता है जो involve होता है digestion की process के लिए, उसे हम ingestion बोलते हैं। Okay? Different organisms have special structure for taking food. सारे animals होते हैं उसके body organs अलग अलग होते हैं जिसमें से उसका खाना पचता है। Okay, अभी हम जाते हैं next page पे।
देखो यहाँ पे कुछ ब्लैक कलर के आपको वर्ड्स दिखते हैं, तो वो क्या है कि जो प्रोसेस होती है खाना खाने की वो है। देखो सुडोपोडिया, फिलसिलिया, फीडिंग ट्यूब्स, टेंटिकल्स, बीक्स एंड हैंड्स, ये सब सारे पार्ट है जिसकी मदद से वो अपना खाना खाते हैं। अमोबा यूज सुडोपोडिया टू एंगल फूड पार्टिकल्स, जो फूड होता है खाने के लिए अमीबा है उसमें कौन सा हिस्सा पार्ट होता है, सुडोपोडिया, सुडोपोडिया है उसकी मदद से अमीबा अपना खाना खाती है। हाइड्रा यूजेस टेंकल्स टू कैच फूड, हाइड्रा होती है वो टेंकल्स नाम का पार्ट होता है उसकी मदद से अपना खाना कैच करता है मतलब खाता है। पैरामीशियम यूज सीलिया, पैरामीशियम में क्या होता है, सीलिया, ये सारे ये फर्स्ट पैराग्राफ है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से वन मार्क के कई सारे क्वेश्चंस निकल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अमीबा कैसे अपना खाना खाती है, तो सुडोपोडिया, फिर पैरामीशियम होता है तो वो कैसे खाता है, तो सीलिया से। ओके, तो ये सब उसके पार्ट है। मॉस्किटोज यूज फीडिंग ट्यूब्स फॉर द सकिंग ब्लड और बर्ड्स यूज देयर बीक्स, देखो मॉस्किटोज यानी मच्छर, मच्छर अपना खाना किसकी मदद से खाता है और अपना ब्लड कैसे चूसता है, तो फीडिंग ट्यूब्स होती है उसकी मदद से वो ब्लड चूसता है। बर्ड्स यूज देयर बीक्स, बर्ड होते हैं वो अपनी बीक से खाना खाते हैं। स्नेक्स सच एज पाइथन स्वॉलो देयर फूड एज अ बॉल एंड ह्यूमंस यूज देयर हैंड्स, जो पाइथन स्वॉलो है वो अपना खाना होल की मदद से लेता है एंड ह्यूमंस होते हैं वो अपनी हाथ से खाता है। ओके बच्चों, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ है कि वो कौन सा एनिमल है, वो क्या खाता है, किसकी मदद से खाता है, तो ये सब उसके वन लाइनर के क्वेश्चन आंसर है, तो ये पैराग्राफ आपको लर्न करना है। अमीबा है वो किसकी मदद से, तो सुडोपोडिया, फिर हाइड्रा है तो टेंकल्स, फिर पैरामीशियम तो सीलिया, मॉस्किटोज तो फीडिंग ट्यूब्स, बर्ड्स तो बीक एंड ह्यूमंस एंड एनिमल्स तो हैंड्स। ओके बच्चों, अभी आता है सेकंड डाइजेशन, जो सारा खाना है वो कैसे डाइजेस्ट होता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड इनटू द सिंपल सोल्युएबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन किसे बोलते हैं, जो हमने खाना खाया है वो पचता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। फिर अब्सॉर्प्शन, द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ सोल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन इनटू द सेल्स ऑफ द बॉडी थ्रू बॉडी फ्लूइड्स सच एज ब्लड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किसे बोलते हैं कि जो हर एक खाना होता है वो पच जाता है लेकिन उसके बाद जो सेल होते हैं छोटे छोटे हमारे सेल्स उस वो जो अपना वर्क करते हैं उसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। फिर एसिमिलेशन, तो एसिमिलेशन किसे बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द एब्जॉर्ब फूड मॉलिक्यूल्स फॉर द प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड ग्रोथ इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन किसे बोलते हैं, जो डाइजेस्ट हुआ खाना उसके बाद से उसका वर्क कौन करता है, सेल्स करते हैं, तो सेल्स जो वर्क करते हैं उसे एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एंड लास्ट में जो हमने सारा सेल ने एब्जॉर्ब कर लिया खाना, फिर हमारा ग्रोथ होता है, हम छोटे से बड़े होते तो ये सब ग्रोथ होता है वो प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। एंड लास्ट में है एडजस्टन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एग्जेशन। एग्जेशन किसे बोलते हैं, जो अनडाइजेस्ट फूड है, जो हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो फूड बाहर निकलता है, जो वेस्ट है उसे हम बोलते हैं एग्जेस्टन। नेक्स्ट अभी आती है एक्टिविटी, तो ये हमको नहीं करनी है और उसके बाद से पॉइंट नंबर 3 से हम स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा इज अ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप। अमीबा है जो एक सेल है, वो सिंगल सेल है, वो हम ऐसे देख नहीं सकते, उसको हमें देखना है तो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना है। इट इज़ फाउंड इन द पॉन्ड्स एंड डिचेस,
डिचेज मतलब जो रोड साइड होती है, फील्ड होता है, खेतर होता है, उसकी साइड की, उसकी किनारी पे जो कई सारे कई बार हमको दिखने को मिलते हैं, और पॉन्ड में मतलब तालाब में भी देखने को मिलते हैं। इट ईट्स माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट फ्लोट इन वाटर। उसका खाना क्या है कि जो जो एनिमल्स होते हैं और सॉरी जो वाटर होता है उसके ऊपर जो एनिमल्स एंड प्लांट्स का जो वेस्ट होता है वो तैरता होता है, वो उसका खाना है। एंड अमीबा हैज़ एन इरेगुलर शेप एंड कंसिस्ट ऑफ द सेल मेम्बरन न्यूकल्स एंड मैनी स्मॉल वैक्यूल्स। देखो जो अमीबा है उसका शेप कोई डिसाइडेड नहीं होता है, उसका शेप नक्की नहीं होता है, वो कौन सा भी शेप ले लेता है। एंड उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो उसमें मेम्बरन होता है, ये एक मेथड है। क्या है कि ये मेथड है, मेम्बरन मतलब द ये एक टाइप का सेल है। फिर ये न्यूकल्स, न्यूकल्स मतलब द पार्ट होता है उसका मूवमेंट करने के लिए। एंड मैनी स्मॉल वैक्यूल्स, वैक्यूल्स मतलब छोटे छोटे कई सारे पार्ट्स होते हैं, तो उसकी मदद से ये अमीबा का, ऐसा अमीबा का स्ट्रक्चर है। एंड अमीबा कैन चेंज इट्स शेप्स एंड पोजिशंस। अमीबा अपना शेप एंड पोजिशन होता है वो हर वक्त चेंज कर सकता है। इट गिव्स आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सुडोपोडिया और फेल्स फीट ऑन द सेंसिंग फूड टू एंगल्स द फूड पार्टिकल्स एंड पुश इट इनसाइड द बॉडी। उसके अंदर सुडोपोडिया नाम का लिक्विड होता है जिसकी मदद से वो अपना खाना कैच करता है। अमीबा हैज़ नो माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम। अमीबा है उसमें कोई माउथ, उसके उसका कोई माउथ नहीं होता है, उसमें कोई डाइजेस्टिव प्रोसेस नहीं होती है। हमारे हम ह्यूमन बींग्स हैं तो अपने मुंह से खाना खाते हैं, फिर हमको ये ट्यूब में से निकलता है, हमारे पेट में जाता है, फिर स्मॉल इंस्टेंटाइन, लार्ज इंस्टेंटाइन में गुजर के लास्ट में निकलता है वेस्ट। तो ये हमारी प्रोसेस है डाइजेस्टिव सिस्टम की, लेकिन अमीबा में वो डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस नहीं है। द फूड पार्टिकल्स टेकन इनसाइड द बॉडी फॉर्म्स अ फूड वैक्यूल्स। जो फूड पार्टिकल्स है वो अंदर जाते हैं, उसकी मदद से फूड वैक्यूल बनता है। मैडम छोटा कर दीजिए, तो देखो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, ये खाना है वो सुडोपोडिया की मदद से वो खाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फूड वैक्यूल्स होता है। देखो ये फूड था, फिर अंदर गया उसने खाया, उसके बाद ये अंदर चला गया तो फूड वैक्यूल बना, और उसके बाद वो निकलता है वेस्ट, तो उसे हम बोलते हैं एग्जिस्टेड वेस्ट। तो ये उसकी प्रोसेस थी। डाइजेस्टिव ऑफ द फूड पार्टिकल्स इज डन बाय द डाइजेस्टिव ज्यूसेस दैट आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल्स। जो फूड वैक्यूल्स होता है उसके अंदर जो डाइजेस्टिव फूड लिक्विड होता है उसकी मदद से वो अपना खाना कैच करता है। दे एक्ट ऑन द फूड टू ब्रेक इट डाउन इनटू द सिंपल सब्सटेंसेस। जो खाना है उससे वो छोटे छोटे सब्सटेंसेस में हिस्से में बांट देता है। द डाइजेस्टेड फूड इज द एब्जॉर्ब्ड एंड एसिमिलेटेड। जो डाइजेस्टिव फूड था वो उसमें एब्जॉर्ब होता है और उसके बाद उसकी प्रोसेस होती है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द बॉडी। और कोई भी हिस्से से वो अपना खाना जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो निकाल सकता है। ओके बच्चों, तो आज हमने पेज नंबर 12, 13 एंड 14 करा। सो आई होप आप सबको उसमें कुछ भी डाउट या फिर क्वेरी नहीं है, और आपको कुछ भी डाउट या फिर क्वेरी हो तो आप हमें फ़ोन करके पूछ सकते हो। टेक केयर।